नेटवर्क। हमारे अध्यक्ष हैं हाजी मकसूद मुल्ला जी, आपको पता होगा यहाँ का विधायक है असलम शेख। असलम शेख से सब के सब लोग, आप सारे लोग रूबरू हैं। आपको पता है कि असलम शेख कैसी गतिविधियां करता है। आज तक जनता के पास भाजपा, शिवसेना और कांग्रेस के अलावा या MIM के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के रूप में जो पूरे देश में सबसे ज्यादा उभरती हुई पार्टी है, जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कार्य कर रही है, दिल्ली के अंदर कर रही है, पंजाब के अंदर कर रही है, मध्य प्रदेश के अंदर कर रही है और जहां जहां हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे कर रही है, उसी गवर्नेंस मॉडल को लेके, दिल्ली के मॉडल को लेके वार्ड नंबर 50 के अंदर BMC का चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आज आपकी आप बात को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जिस समय परिणाम आए उस समय मेरा वीडियो खोल के देख लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हाजी मकसूद मुल्ला के साथ वार्ड नंबर 50 की जनता पूरी है और ये जनता हाजी मकसूद मुल्ला को BMC के अंदर कॉर्पोरेटर, आम आदमी पार्टी का कॉर्पोरेटर बना के। सर मुंबई की बात करें, 227 वार्ड अभी बढ़ चुके, उस बारे में किस तरह से रणनीति बनाएगी आम आदमी पार्टी? आप 236 वार्ड कर लो, 227 से शिवसेना की सरकार आती है तो 236 कर लेती है, BJP वापसी आती है तो 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने के बाद भी 2 दिन के अंदर अपनी विधानसभा के अंदर रेजोल्यूशन पास करवा देती है कि 227 ही होंगे। भाजपा को 227 सूट करते हैं, शिवसेना को 236 सूट करते हैं, हमें दोनों फॉर्मूला सूट करते हैं, क्योंकि जनता जो 125 करोड़ जनता है मुंबई की, वही 227 वार्ड के अंदर है, वही 236 वार्ड के अंदर है, वो दोनों आपसे परेशान हो चुकी है, वो 125 करोड़ जनता परेशान हो चुकी है। अब चाहे आप उसको जितने मर्जी वार्ड में बांटो, वो जनता इस बारी आम आदमी पार्टी का साथ देगी और आम आदमी पार्टी एक बेहतरीन विकल्प के रूप में मुंबई के अंदर उभरता हुआ नजर आ रहा है। ये कल की तस्वीरें आपने हमारी कार्यकर्ता सम्मेलन की देख के आपको पता चल गया। लड़ेंगे जीतेंगे, केजरीवाल का नारा है, लड़ेंगे जीतेंगे। हम मैदान में आए हैं तो जीतने के लिए आए हैं और हमारे पूरे 236 कैंडिडेट यहाँ खड़े रह जाएंगे, 236 पूरे जीत के आएंगे और जीत के आने के बाद में सबसे पहले मेरा एक मनोकामना है कि हम सबसे पहले यहाँ से ड्रग्स मुक्त करेंगे कॉलोनी को, क्योंकि हमने देखा है पूरे वार्ड के, हमारे एरिया के लोग जो है पूरे बिखर चुके हैं। लड़की हो या लड़का हो, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, हमने देखते हैं रात के टाइम में तो बहुत हाल बुरा लगता है, हमको पूरा आँख में से हमारे खून के आंसू आते हैं। तो सबसे पहले तो हम जीत के आने के बाद में यहाँ से ड्रग्स मुक्त मालूम नहीं करेंगे। सर वार्ड नंबर 50 में क्या मूलभूत सुविधा है जो अभी तक उसका निवारण नहीं हो पाया? वार्ड नंबर 50 में सब गंदगी है और काफ़ी तकलीफ है, टॉयलेट है उसका दरवाजा नहीं है और यहाँ से चल के जाएंगे तो ऐसा लगता है कि वॉमिट हो जाएगा। अभी ये सब तकलीफ है, ये सब तकलीफ हम लोग दूर करेंगे, यहाँ के गंदगी पूरी हटा देंगे। कॉर्पोरेटर इलेक्शन को लेकर सर आपकी क्या तैयारी चल रही है सर, आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी रस्ते पे उतरी है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जितने भी लोगों को कुछ तकलीफ है, हम सत्ते में नहीं है फिर भी उनकी तकलीफ दूर करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि इस वक्त आप इलेक्शन अभी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप जीते भी नहीं है तब भी आपके पास अगर लोग आएंगे तो उनकी मदद आप करेंगे? हम मदद करते हैं, बिल्कुल उनकी मदद करें, जो भी आता है हमारे पास हम कंप्लेंट लेके आता है, कुछ भी लेके आता है, हम उनसे आधे रात के उठ के खड़े रह के उनकी मदद करते हैं। सर दिक्कत रास्ते की, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आपने अभी कुछ बताया भी, यहाँ कई लाख लोग रोज यहाँ पे सफर करते हैं, रास्ते की बहुत बड़ी तकलीफ है। पहले कई नेताओं ने यहाँ बोला था कि हम लोग 2 साल में इतने प्लान बनाएंगे, सब इनके वो जुमलाबाजी थी, लेकिन हो सकता है अल्लाह को कुछ मंजूर होएगा कि हमारे हाथ से होने का होएगा तो ये हमारे हाथ से ही होएगा, आम आदमी पार्टी के हाथ से होएगा और हम जितने भी DP प्लान है हम आने के बाद में पूरे आने के साथ साथ जल्द से उसके ऊपर काम करके जल्द से जल्दी निकाल के मालवनी की जनता को आसानी कर देंगे।